हेलो एवरीवन, आज है 1 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 170 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज भी 5.5% की बढ़िया रैली हमें यहाँ पर देखने को जरूर मिल चुकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कितना दम है और शेयर में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 170 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज भी एक बहुत बड़ी यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिली है। शेयर ने काफी बड़ा बाउंस बैक किया है और सिर्फ अभी नहीं, पिछले कुछ दिनों से शेयर बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा भी रहा है। 190 के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया था, पिछले एक महीने में 150 रुपए के आसपास गया। उसके बाद आप देखिए, कंटिन्यूस शेयर ने बढ़िया ग्रोथ दिखाया, कंटिन्यूस शेयर ऊपर ही उठ रहा है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो जब शेयर 150 रुपए के आसपास भी गया था तब भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि डरने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास मौका है इन्वेस्ट करने का, ये मौका है आपके पास इन्वेस्ट करने का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और आज मैं पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों एक भरोसेमंद शेयर आप कह सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। अगर शेयर में कुछ भी गिरावट भी आती है, अगर मान लो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर अगर कर्जा बढ़ भी जाता है तो सरकार इस बैंक को तो डूबने नहीं दे सकती है, और तो और इसमें पैसा डाल के इसको तो निकाल लेगी। दूसरी, अगर हम यहाँ पर बात करें एक और बड़ी दिग्गज अगर स्टॉक की बात करें तो SBI कार्ड है। 550 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड करा है। वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो भैया आपको क्या दिख रहा है, प्रमोटर कौन है यहाँ पर, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग के साथ 69.51% की होल्डिंग यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेके बैठे हैं। 550 रुपए का शेयर SBI कार्ड और वहां पर ऑलमोस्ट 70% की होल्डिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओन करते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे SBI लाइफ इंश्योरेंस, 775 रुपए का शेयर, यहाँ पर भी अगर हम प्रमोटर देखेंगे ना तो आपको दिखेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिनके पास 57.60% की होल्डिंग है। एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर है। अभी अभी यस बैंक का बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ, यस बैंक को भी इस क्राइसिस से निकालने में मदद किसने की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास यस बैंक की भी 48.21% की कंट्रोलिंग स्टेक हमें देखने को मिल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कई सारी चीजें हैं जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा पैसा लगाया हुआ है। चाहे हम SBI म्यूचुअल फंड की भी बात करें तो एक बहुत बड़ा पैसा भी आपको वहां पर भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर इन सब का अगर हम देखें तो अभी के सिचुएशन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाकई में काफी सस्ता मिल रहा है, कौड़ियों के दाम पर मिल रहा है। 150 जब मैंने कहा था, आप देखिए तब से लेकर अब तक 20 रुपया ऑलरेडी शेयर ऊपर उठ चुका है और अभी भी दमखम मुझे यहाँ पर जरूर लग रहा है। पिछले एक साल की यहाँ पर हम बात करें तो 51% का ग्रोथ है, सॉरी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। 370 रुपए के लेवल से टूटा, फिर बाउंस बैक किया, कोविड-19 से बहुत बड़ी गिरावट है, 150 रुपए तक का लो बन गया। और मुझे लगता है कि ये जो 150 का लो बना था ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बॉटम बन चुका था। अब यहाँ से और ज्यादा फर्दर गिरावट 150 रुपए से जाना, मुझे नहीं लगता कि शेयर इतना नीचे तक भी जा सकता है। 3 साल की भी बात करो तो 3 साल में 40% की यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली है। 372 रुपए तक का हाई यहाँ पर है और 150 रुपए तक का लो बना है। इससे पहले भी आप देखिए शेयर में जब भी गिरावट आई है बड़ा बाउंस बैक किसने किया है, गिरावट आई बाउंस बैक किया, गिरावट आई बाउंस बैक किया। तो मतलब ये है कि अगर ये वो शेयर है जिसमें गिरावट आने पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, प्रॉफिट आने पर बेच देना चाहिए। 10 साल की भी अगर मैं आपको बात करूँ तो 10 साल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो सबसे बड़ा लो बना है वो 147 रुपीज के आसपास बना था, ठीक है, और अभी शेयर उसी लेवल से भी नीचे नहीं गया था। 150 रुपए से बढ़िया इसने बाउंस बैक भी कर लिया और 170 रुपए के ऊपर ट्रेड करा। चार्ट आप खुद देखेंगे आप समझ जाएंगे कि भैया ये वो शेयर है जिसमें गिरावट आए खरीदारी करो, प्रॉफिट आए बेच के निकल लो। क्योंकि देखिए गिरावट अगर जब भी आएगी शेयर वापस से बड़ा बाउंस बैक करेगा, वापस नीचे जरूर गिरेगा, वापस बड़ा बाउंस बैक यहाँ पर हमें जरूर देखने को मिल जाएगा। लार्ज कैप स्टॉक है 1.5 लाख करोड़ के आसपास की इसका मार्केट कैप है। सिम अगर हम देखें तो भैया बहुत बड़ा वॉल्यूम ट्रेड है, 9 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 57.63% की होल्डिंग है। प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग गिराई है, FIS ने भी थोड़ी सी होल्डिंग गिराई है, 9.59% की होल्डिंग है। FIS के पास म्यूचुअल फंड के पास 13.62% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.49% की होल्डिंग देखने को मिली है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 8.12% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिनके पास 56.92% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है, सरकारी स्टॉक है ये, और जैसे कि मैंने कहा कि सबसे बड़ा और दिग्गज सरकारी बैंक है ये। अगर कुछ भी होता है, कुछ भी होता है तो भैया सरकार एटलीस्ट
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तो कभी भी डूबने नहीं दे सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सरकार हमेशा बचा के रखेगी, क्योंकि एक यही बैंक है जो बाकी छोटी बैंकों को बचाता है। इसको कुछ नहीं हो सकता, सरकार इसे पैसा डाल ही देगी एंड ऑफ द डे। आप देखिए यहाँ पर 67 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया, 736 FIIs भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर की बात की तो लाइफ इंश्योरेंस वी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिनके पास 9.13% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 6.01% की देखने को मिल रही है। डिविडेंड भी पे कर रहा था, लेकिन 2017 में लास्ट डिविडेंड पे किया था, 2018-2019 में इन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया है। तो हम इस साल भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि ये लोग डिविडेंड पे करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मनी कंट्रोल में, तो आप देखिए टेक्निकल रेटिंग काफी इसकी अभी न्यूट्रल हमें दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ पीई काफी सस्ता है, 12.94 का पीई है, बहुत सस्ते पीई के ऊपर शेयर अवेलेबल है। इंडस्ट्री पी 91.14 के आसपास है, बुक वैल्यू 220 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत कम है 0.77, ईपीएस 13 के आसपास है और डिलीवरीज 25 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 47% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 49% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करने जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम इसके नतीजे के ऊपर नजर करें तो बैंक ने हर क्वार्टर में बढ़िया मुनाफा कमाया है। दिसंबर क्वार्टर में तकरीबन 6,800 करोड़ का बड़ा मुनाफा कमाया है, बड़ा मुनाफा कमाया है। सितंबर में 3,650 करोड़, जून में 3,385 करोड़, मार्च में 1,550 करोड़, पिछले साल दिसंबर में 4,823 करोड़, मतलब 2018 के दिसंबर क्वार्टर में 4,823 करोड़। तो हर क्वार्टर में पैसा कमाया है, एक भी क्वार्टर में पैसा गवाया नहीं है। हालांकि हाँ ये बात जरूर है कि एनपीएस इनके ऊपर बढ़ते रहते हैं, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि कोई बिजनेसमैन पैसा लेके भाग गया तो उसमें हमें जनरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिल जाता है जिसने इनको पैसा दिया होता है। जनरली आपको सरकारी बैंक उसमें मिल ही जाते हैं, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे हम छोटी बैंक की बात करें पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, तो ऐसे बैंक आपको यहाँ पर मिल ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी है कि सरकार के अंडर में ये सारी की सारी बैंक है और सरकार इसमें एंड ऑफ द डे पैसा डाल देती है। शेयर होल्डिंग की बात की तो प्रमोटर ने होल्डिंग यहाँ पर जरूर कम की है, 57.88% की होल्डिंग 57.63% है। एक भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं दिखाया गया है, प्रमोटर एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एफआईएस ने होल्डिंग कम जरूर की है, 10.85% की होल्डिंग 9.59% तक हो चुकी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट रखा हुआ है, 13.50% की होल्डिंग 13.62% की है। इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ी सी होल्डिंग अपनी बढ़ाई है, जो 10.07% थी आज वो 10.59% के आसपास देखने को मिल रही है। ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काफी बढ़िया शेयर है, अगर आपने खरीदा हुआ है तो आप होल्ड कर सकते हो, और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो जरूर करें, लेकिन एसआईपी मोड में ही खरीदारी करें। एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि शेयर आपको इसी तरीके से जाते हुए देखने को मिलेगा, तेजी के बाद गिरावट आएगी, गिरावट के बाद आपको तेजी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदें, और आप जैसे कि जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका भैया, एसबीआई कार्ड से लेकर स्टेट एसबीआई म्यूचुअल फंड में, एसबीआई इंश्योरेंस, सब में इनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। तो आप समझ सकते हैं कि बैंक ऑलरेडी काफी सस्ता मिल रहा है, काफी सस्ता ये बैंक अभी अवेलेबल है। गिरावट की जो पहली वजह थी वो ये थी कि इन्होंने डूबते हुए यस बैंक को रेस्क्यू करने की कोशिश की और वहां पे गिरावट आ गई। दूसरी वजह ये थी कि लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के चलते गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को कुछ रिलीफ भी दी गई, जिसको हम मॉरिटोरियम के नाम से भी जानते हैं कि भैया अगर आप 3 महीने तक अपनी ईएमआई पे नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है। अब उस मॉरिटोरियम को और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब अगस्त महीने तक लोग अपनी ईएमआई पे नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बैंक को बोला कि आप उनको राहत दो। तो इसी के चलते बैंकिंग सेक्टर में गिरावट भी आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे बैंक धीरे धीरे रिकवर करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और काफी बड़ा दमखम रखता है बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि भैया इंडियन इकोनॉमी को चलाने में सबसे बड़ा मेजर रोल अगर किसी सेक्टर का होता है तो वो बैंकिंग सेक्टर होता है, क्योंकि भैया हर कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है और पैसों के लिए उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो है बैंक। तो बैंकिंग सेक्टर को जिंदा रखना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है हर किसी के लिए, और यहाँ पर मैं अभी भी यही कहूंगा कि मुझे भी अभी भी लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से और 185 से 190 रुपए के टारगेट तक पहुंच
पहुंचने का दमखम तो जरूर रखता है। हालांकि 1-1.5 साल तक अगर आप यहाँ पर टाइम लेके चलते हैं तो आराम से ये शेयर 250 रुपए के आसपास आपको ट्रेड करते हुए दिख जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में 190 से 200 रुपए तक का टारगेट आप यहाँ पर लेके चल सकते हैं। तो इसी से वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।